हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो गाइस, आज की इस वाली वीडियो में बाबा आपको दोबारा से देने वाले हैं श्राद्धों के बारे में कुछ जानकारी, किसको खिलाना चाहिए, क्या करना चाहिए, सारी जानकारी आज बाबा आपको देने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर ज़रूर से देखना और लाइक कर देना वीडियो को, चैनल में तो सब्सक्राइब कर देना। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बरह पीड़ा भीराम मृग मद तिलक कुंडलाक्रांत गंडाम कमजाक्षम कमुकंडाम स्मित सुभग मुखम स्वाधरेणेस्तभैरों श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनां भोषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनेस्थं युवतिशतव्रतं ब्रह्मगोपालभेषां कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्राद्ध कर्म, पितरों का श्राद्ध हम सभी लोग करते हैं, परंतु सनातन धर्म शास्त्रों में ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। कुछ प्रांतों में, बड़े नगरों में ये प्रचलित है कि स्त्री भगवान के धाम में जाए तो स्त्री को भोजन कराओ, पुरुष जाए तो पुरुष को भोजन कराओ, बच्चा जाए तो बच्चा का भोजन कराओ। यह जीवात्मा में स्त्री पुरुष लिंग का कहीं भी भेद नहीं है। कभी भी श्राद्ध करें, आश्विनी मास में करें या एक वर्ष के तिथि में करें, तो ब्राह्मण भोजन कराएं। स्त्रियों का भोजन कराने से वह जो अधिक कष्टदायक है। शास्त्र में कहीं भी उल्लेख नहीं है कि स्त्री के जगह स्त्री का भोजन कराएं। गरुड़ पुराण, प्रेत मंजरी इत्यादि शास्त्रों में वर्णन आया है कि ब्राह्मण भोजन कराएं, सुपात्र ब्राह्मण हो, उसको भोजन कराने से उस जीवात्मा की तृप्ति होती है। जो भी वस्तु यथाशक्ति श्रद्धा अनुसार हम देते हैं वह सूक्ष्म रूप लेकर के उस जीवात्मा को प्राप्त होती है। वह जीवात्मा जिस योनि में है उसे उस रूप में मिलेगी, चाहे वो जिस योनि में हो। सही नाम, गोत्र, संकल्प इत्यादि जो ब्राह्मण बोलते हैं वह उसी को प्राप्त होता है जो उच्चारण किया जाता है। परंतु ऐसा कहीं नहीं है कि स्त्री का भोजन हो, स्त्री को भोजन नहीं कराना चाहिए, ब्राह्मण भोजन का ही विधान है शास्त्र में। परंतु कुछ प्रांतों में, महानगरों में यह परंपरा बहुत गलत प्रारंभ हो गई है, जो कोई विचार नहीं कर रहा है, जो कि विचार करना चाहिए। यह अधोगति का कारण बनता है, अतः ऐसा नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण भोजन का शास्त्र विधान है, ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और उसने अपने पितरों की प्रार्थना करनी चाहिए। उससे उस जीवात्मा की सुंदर गति को प्राप्त होता है, भगवान के धाम को प्रस्थान करता है। इस प्रकार करना चाहिए। भली भांति समझ लें, किसी भी शास्त्र में स्त्री का भोजन नहीं लिखा कि स्त्री चली जाए तो स्त्री का भोजन कराइए। ये अवश्य ध्यान दें, ध्यान देने योग्य बात है। कहीं भी किसी भी पुराणों में ऐसा वर्णन नहीं है जो हम लोग सब अपनाते हैं कि स्त्री चली जाए तो ब्राह्मणी को बुलाइए, जितनी उम्र की हो उतनी उम्र को बुलाइए, ढूंढिए, ऐसा कहीं नहीं है। श्राद्धों में, आश्विनी मास के पितर पक्ष में या एक वर्ष के श्राद्ध में तिथि में ब्राह्मण भोजन ही कराने का विधान है, कराना चाहिए। परंतु मनुष्य ध्यान नहीं देते हैं, वो जो परंपरा चल गई गलत हमारे यहाँ, कुछ प्रांतों में, सभी जगह नहीं है, पूर्व में नहीं है। बनारस इत्यादि तरफ जाइए, वहाँ ऐसा कभी नहीं मिलेगा आपको। हमारे पश्चिम कुछ महानगरों में ऐसा विशेष कर होने लगा है। ये महान गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से बहुत बड़ा अपराध होता है, नरक के गामी होते हैं करने वाले। इस प्रकार कभी नहीं करना चाहिए। अगर किसी शास्त्र में है
तो ब्राह्मण विद्वान आचार्य से पूछे कि कहीं शास्त्र में स्त्री के न जाने के बाद स्त्री भोजन है, ब्राह्मण भोजन का वर्णन आया है, स्त्री भोजन का वर्णन कहीं नहीं आया है, ऐसा कदापि नहीं करें, यह विचार करें। सभी से निवेदन है, कार्य भी करते हैं परंतु कार्य गलत करते हैं, अतः ऐसा करने से अपराध होता है। कुलबाल कृष्ण भगवान की जय।